जी मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ और मैं दारुल देवबंद से फारिग भी हो, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जहाँ तक हो सके परहे करम मेरी आवाज़ को मौलाना अरशद मदनी और मोहसिन साहब की कान तक पहुँचाने की कोशिश करें कि हजरत आपने जो हंगामा मचा के रखा है ये असलाफ की तमाम किरदार को मिट्टी में डालकर पैर के नीचे से दल रहे हैं और जिससे दारुल देवबंद को बहुत ही नुकसान हो रहा है। जितने आप हजरत ने मौलाना साद साहब को इहानत किया और उनको इहानत करने की कोशिश किया उससे ज़्यादा दारुल देवबंद इहानत में पड़ गए हैं और जल्दी ही आप अपने इस किरदार से बाज आ जाए और दारुल देवबंद की हिफाजत के लिए आप एक कदम उठाएँ, वरना दारुल देवबंद की फारिगीन और मोतकिदीन और मुहिबीन आपको नहीं छोड़ेंगे और उससे ज़्यादा दारुल देवबंद जिस अल्लाह ने कायम किया था वो अल्लाह भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने जो कुछ किया है ये उम्मत के साथ बहुत ही बुरा किया है। मौलाना साद साहब का इतना कसूर नहीं है कि आपने जो कुछ किया है और ये रुजुनामा के नाम पर खेल शुरू कर दिया है। ऐलान से पहले क्यों नहीं कहा था कि छोटा मस्जिद के अंदर नहीं होगा? निज़ामुद्दीन मस्जिद छोटा है जहाँ 8,000-10,000 आदमी रहता है और वो ईशा के बाद में उन्होंने ऐलान किया और आपने किसी ने कहा दिया, मौलाना अरशद मदनी ने कहा दिया कि फजर के बाद 200-300 आदमी के सामने ऐलान किया। झूठ भी बोल देते हो, शर्म नहीं आती? और बांग्लादेश मरकज़ में जो इतना बड़ा मजमा था, 8-10 हज़ार का मजमा था, इसको भी छोटा एक मजमा कहा दिया? आपके नज़दीक बड़ा मजमा होने के लिए तादाद कितना चाहिए? कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को किस तरह से अपनी इहानत करके दारुल देवबंद से निकाला था पिस्तौल हाथ में लेकर, वह हमारे सामने की किस्सा है। और कैसे जमीयत को दो टुकड़ा किया? अभी ये पाकिस्तानी मिशन को सामने लेकर और गुजरात वालों की साजिश को सामने लेकर अब तबलीग को भी दो टुकड़ा करना चाहते हैं और बांग्लादेश की तबलीग को दो टुकड़ा कर दिया? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। देखिए हम जबान संभाल के बात कर रहे हैं, आइंदा नहीं संभालेंगे। जल्दी ही इकदाम करे और इस तमाम फितना को मिटाए वरना अल्लाह नहीं छोड़ेगा।